नमस्कार मध्याह्न खबर को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा देखि नबा कोन रहिछि वर्तमान रो हेडलाइंस गैंगस्टर गिरफ्तारी रो कहानी कहिले सीपी पुरना साथी को पचरी बारु मिलथला सुराग मिशन हैदर पाई होइथला 120 घंटा रो मिशन साथी सहयोगी को पचरा उचरा करबो पुलिस बिरयानी कथा कहबारु चिहिकी उठिले पुलिस कमिश्नर कहिले एससीबी निकटस्थ फांडी को जणाइबा दरकार नुहे सेपटे सन्धे जेल डीजी संतोष उपाध्याय भूमिका सचेतन नहले आगक बढ़ संक्रमण राजधानीवासी नियम मानु नथिबारु खोर्धार बढ़ी चली पॉजिटिव केस त्वरित संक्रमण चिन्हट को प्राथमिकता विशेषज्ञ मतरे मे शेष आड़ कमी पारे संक्रमण राज्य में 3000 अतिक्रम कला संक्रमण 24 घंटे 3108 संक्रमित खोर्धार सर्वाधिक 534 सुंदरगढ़ 523 तेज नौजिला संक्रमित संख्या 100 ऊपर 16 दिन में 20533 संक्रमित चिन्हट आज अनिर्दिष्ट काल राज्य में नाइट कर्फ्यू 20 जिलार सहरांचल कटकणा राति 9 सका 5 जाए कर्फ्यू जारी रहिबो अत्यावश्यक सेवा बदलला छत्तीसगढ़ सीमांत 10 जिलार नाइट कर्फ्यू समय सहरांचल सप्ताहांत शटडाउन राज्य सरकार को निष्पत्ति परे सजाग पुरी जिला प्रशासन 17 तारीख पुरी में लागू हो नाइट कर्फ्यू श्रीमंदिर दर्शन और एसओपी उपर छत्तीसा निजोग बैठक निष्पत्ति गंजाम कविसूर्य नगर अमानुषिकता मात्र 2000 टंका जन को हत्या अभियुक्त को गिरफ्त कर तदंत चल पुलिस बुलेटिन आरंभ करिबा सही चर्चित खबरु सही बड़ खबरु केमिति गिरफ हेला कुख्यात अपराधी हैदर सांबादिक सम्मेलन रे पूरी पूरा कहानी कहिले पुलिस कमिश्नर 120 घंटार ऑपरेशन परे तेलंगानारो गिरफ करा जायछि हैदर दुईट मामला रे संबलपुर जेल रे आजीवन सजा काटुछे एप्रिल 10 तारीख अपराह्न 4टा रे एसीबी रु फेरार होइतिला संध्या 7टा परे कमिश्नरेट पुलिस को खबर मिलिथिला महाराष्ट्र झारखंड और पश्चिमबंग जाई मध्य पुलिस तदंत करते तेरे हैदर पूरा पुराणा सहयोगी को जोगाजोग करा दैथिला 11 तारीख में आंध्र तेलंगाना जीवार सूचना मिलता दुईट टीम तेलंगाना जा तदंत करते टेक्निकाल वे पुलिस धरवे सफल होता टेक्निकाल वे पुलिस तार कंट्राक्ट ट्रेस कर किसी सीसीटीवी सुराग मिलता हैदर सहयोगी याकूब को पचराउचरा सड़क पथ दे आंध्र जाता हैदर गोटे गाड़ी रे हैदर फेरार नहीं सूचना मिलता चौलियागंज और बादामबाड़ी थाना अधिकारी टीम लीड नहीं तेलंगानारु गिरफ परे ताकु ओडिशा अणा जाइथिला हैदर रो 7 जन सहयोगी को पचराउचरा करा जाउछि हैदर केमिति फेरार हला केऊ बाट देई से तेलंगाना जाइथिला ताकु एथिरे के सहायता करथुला से नै जेरा करा जिवो दीर्घ 120 घंटार अक्लांत परिश्रम कटक यूपीडी पुलिस रो परे दुर्दांत गैंगस्टर हैदर जी कि 10 तारीख दिन प्राय 4:30 समय रे गार्ड पार्टी जे नियोजित थिले एससीबी मेडिकल कॉलेज रे तांकु चकमा दे खसी जाइथिला ताकु तेलंगाना राज्य रु गिरफ करिवारे सक्षम हेछि एई दीर्घ 120 घंटार ऑपरेशन रो कहानी अत्यंत चमकप्रद शेख हैदर ओडिशार गोटे जनाशुना दुर्दांत अपराधी दुईटी केस रे से सजा काटुचंती आजीवन सजा काटी संबलपुर जेल रे अवस्थापित थिले 23 मार्च रे से संबलपुर जेल रु ट्रीटमेंट पाई कटक एससीबी मेडिकल कॉलेज को आसीथिले एवं सेठी तंकर ट्रीटमेंट चलिवार कहा जाउ एप्रिल 10 तारीख प्राय 4:30 मध्य रे संबलपुर पुलिस रो जो गार्ड पार्टी रो कांस्टेबल को चकमा दे तांको निशाग्रस्त करे एसटीबी मेडिकल कॉलेज रु चंपट मारिवारे से सक्षम हेथिले एही खबर कमिश्नरेट पुलिस कटक को पहुँचिता प्राय संध्या 7टा परे ए खबर पाइला परे तुरंत
आक्शन को आसीथिला कमिश्नरेट पुलिस एते बड़ दुर्दांत अपराधी कुआडे जाई थाई पारे तार पास्ट रेकॉर्ड कौन से सब कु भित्ती करी कटक कमिश्नरेट पुलिस तो जो कटक डीसीपी को अधीन पूरा यूनिट आक्टिवेट होता आम चेष्टा करने को मैंने चेष्टा करूँ जाणी को हाइदर फेरार है तो केमी फेरार है फेरार हेले कुआडे जाई थाई पारे किए तार लिंक तार अपराधिक लिंक कौन तार फैमिली किए अच्छा ए सबू दिग को आखि आगे रखी तदंत प्रक्रिया त्वरान्वित होता आमर संदेह थिला अतीतरे जेहेतु हाइदर महाराष्ट्र रु धरा होता से राज्य बाहर को पड़े जाए पारे तेणु सबु जिनस को आखि आगे रखी कमिश्नरेट पुलिस टीम प्रस्तुत करथिला बाहर राज्य को जिबाकु एही परिप्रेक्षी वेस्ट बंगाल झारखंड महाराष्ट्र आंध्र तेलंगाना को आम तुरंत टीम पठेबार व्यवस्था करथिला एही जो टीम जाई फिजिकल क्लू माने आनिबा को चेष्टा करथिला आ सबुठु आमर डिपेंडेंस थिला जो टेक्निकल क्लू आ टेक्निकल एनालिसिस उपरे हाइदरंकर पुरुणा सबु कांटेक्ट को आम आइडेंटिफाई करने को चेष्टा करूँ यही परिप्रेक्षी में आपण मैंने जाथे जड़े सहयोगी याकूब गिरफ्त होता अन्य बहुत लोक आम पचरा उचरा अनेपटे जेल डीजी संतोष उपाध्याय भूमिका को नहीं उठी प्रश्न तदंत परिसर को आसबे कि नहीं ताबे बड़ प्रश्न दोष स्वीकार करेंगे कि जेल डीजी ना केवल तलिया कर्मचारी को सस्पेंड कर काम सारीदे कमिश्नरेट पुलिस ताकू नहीं ए प्रश्न सृष्टि होइछि लोक सचेतन नहले आगको बढ़िबो संक्रमण राजधानी रे लोके नियम मानुनांती जाके खोर्धारे संक्रमण वृद्धि बड़ कारण बोली डाक्टर सीबीके मानते विशेषज्ञों मतरे मे शेष आड़क संक्रमण कमी पारे तेबे त्वरित संक्रमण चिन्हट को प्राथमिकता दिया जाउछे डेथ रेट बढ़िबो ना कमिबो एबेठु किछि कहिबो नाहे फास्ट वेव धीरे धीरे व्यापुथिला किंतु द्वितीय वेव नुआ स्ट्रेन जोरे व्यापुछे राज्य रे पर्याप्त फाविप्राविर और रेमडेसिविर मौजूद अच्छी जहाँ एने सीबिक महांती स्पष्ट कर पैंडेमिकटा कौटी एंड हम कहीं कहीपर आमर जहाँ हाइपोथेसिस अच्छी जहाँ जो मैंने मान अच्छा टेक्निकाल लोक जहाँ कहते हैं मे मस को पिक नहीं पारे तापर कमी सेमती आर वर्ष भी से फेब्रुआर कमला फेर आमर निजर ढिलापण जो एगेन आप लक्ष्य करते भारत में मैंने अति द्रुत गति में बढ़े चलती तेणु लोक जदि सचेतन नहबे नाचुराली आम कोविडटा को अलाउ करवा जे आम कम्युनिटी थाउ आम समाज में थाउ एमती आमर क्षति करेणु जदि लोक सचेतन हे जदि निजे करोन संक्रमित हेल्ले अन्न को जनइबे निजे निजक पृथ्वीकरण करेंगे और अन्न मानु अलग रे से अन्न क्या संक्रमण करें सेमती हेल्दी लोकटे जदि जानूँ घरे जनकर करोना अच्छी से इमोशन एसबु कि ना दूर से भी रखा कथा तेणु वर्तमान जहाँ अच्छी समस्ते भाविया करोना विरुद्ध से जड़े जड़े योद्धा से जहा जहाँ अवदान दवा कथा से दवाक आगे आस राज्य में दैनिक 3000 टपिला कोरोना संक्रमण 24 घंटे 3108 कोरोना आक्रांत चिन्हट खोर्धार सर्वाधिक 534 सुंदरगढ़ 523 पजिट बाहरी कटक्रु 163 नवरंगपुरु 156 संबलपुरु 153 आक्रांत चिन्हट होती से अनुगुल 144 बालेश्वर 151 बरगड़ 132 भद्रक 53 बलांगीर 133 बौद्ध 9 कटक्रु 163 देवगढ़ 19 ढेंकानाल 16 गजपति 18 गंजाम 55 जगत सिंहपुर 29 जाजपुर 75 झारसुगुड़ 99
କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 55, କନ୍ଧମାଳରୁ 10, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 22, କେଉଁଝରରୁ 105, କୋରାପୁଟରୁ 23, ମାଲକାନଗିରିରୁ 3 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 9 ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 100 ଉପରେ ରହିଥିବା ବେଳେ 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 50 ଉପରେ ରହିଛି। 16 ଦିନରେ 20,533 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 3 ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। सातदिनिया लॉकडाउन घोषणा हला सुंदरगढ़ बालीशंकरा पंचायत कोरोना संक्रमितों संख्या बढ़ुथिबारु एभली निष्पत्ति नेले सरपंच। 16 तारिखरु 22 तारिख पर्यंत बंद रहिबो। सेपरी जिला प्रशासन पक्षरु बालीशंकरा पंचायत तेलीचोर को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषणा करा दैछि। रायगड़ स्थित कपिलास छक मास्क चेकिंग कड़ाकड़ी करा जाई छी। समय रे अमानिया एक बुलेट चालक को अधिकारी माने अटकाइथिले। युवक जनक न माने आगो को माड़ी जिबारु दायित्व रे रहितबा जड़े पुलिस कर्मचारी अटकैबा को चेष्टा करथवा बळे अमानिया युवक पुलिस कर्मचारी को धक्का दे चली जाइथिले। फळरे पुलिस कर्मचारी जनक को मुंडरे गंभीर आघात लागितला। एहा परे तांको गुरुतर अवस्था रे जिला मुख्य चिकित्सालय को स्थानांतर करा जाई छी। बुलेट नंबर को नहीं युवकों को खोजा चली छे। राज्य सरकार को निर्देश परे सजग हला पुरी जिला प्रशासन। आज पुरी रे लागू करा जिबो नाइट कर्फ्यू। राति 9 भोर 5 पर्यंत कर्फ्यू बलवत्तर रहिब। सेबडे कोविड स्थिति को नहीं श्रीमंदिर रे दर्शन व्यवस्था और एसओपी परिवर्तन उपरे आज छत्तीसा निजोक बैठक रे निष्पत्ति चूड़ांत हेबो। कोरोना को नहीं आरंभ होला छत्तीसा निजोक बैठक। श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक कृष्ण कुमार को अध्यक्षता रे वर्चुअल बैठक बसी। बैठक में जिलापाल तथा श्रीमंदिर उपमुख्य प्रशासक समर्थ वर्मा, एसपी के विशाल सिंह, छत्तीसा निजोक महानायक, विभिन्न सेवायत निजोक प्रतिनिधि माने उपस्थित अछन्ते। कोविड को नहीं श्रीमंदिर दर्शन व्यवस्था उपरे एसओपी रे परिवर्तन नहीं हेउछि आलोचना। पुनर्बार कोविड नेगेटिव प्रमाणपत्र सह क्योस्कोप व्यवस्था उपरे दिया जाउछि गुरुत्व एवं सप्ताह रे 2 दिन श्रीमंदिर बंद नहीं चलिछि आलोचना। विभिन्न सेवायत निजोक प्रतिनिधि ठारु निया जाउछि मतामत। आवश्यक पड़िले श्रीमंदिर बंद हेबा नहीं होई पारे आलोचना। आलोक आशुतोष आम पुरी प्रतिनिधि ए संपर्क में आलोचना आम सहित जोड़ी। तेबे आलोक छत्तीसा निजोक बैठक आरंभ जे आप सूचना देते तेबे बैठक वर्तमान सुधा चली कि ना ना बैठक शेष होला कौन सब आलोचना है क्यों सब विषय आलोचना होने तथ्य सामना को आसूँ जानवाक चाहबू आलोक तेज आलोक जानवाक चाहबू जो आपड़ जहाँ सूचना देखते जे छत्तीसा निजोक बैठक आरंभ हो सारी प्रकृत में बैठक बर्तमान सुधा शेष होला कि ना क्यों सब विषय आलोचना हो कौन सब बैठक में निष्पत्ति शुणा को मिलू आलोक निवेदिता वर्तमान छत्तीसा निजोग जो भर्चुआल मध्यम बैठक चलता बैठक शेष होती भर्चुआल बैठक में श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर किशन कुमार अध्यक्षता करते विभिन्न सेवायत निजोग प्रतिनिधि और पूर्वतन परिचालना कमिटर किसी सदस्य और श्रीमंदिर प्रशासन उन्नयन प्रशासक नीति प्रशासक और तमाम वरिष्ठ अधिकारी मैंने उपस्थित थे। आप जानते जो छत्तीसा निजोग बैठक में आज गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय आलोचना कराई जो पूर्व आप जानते निवेदिता कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आवश्यक पड़ता जेहेतु कोरोना महामारी प्रादुर्भाव रही वर्तमान तो रही निश्चित भाव में कितु पूर्व आप जानते भक्त श्रद्धा मैंने जो बाहर आसवे से कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आवश्यक पड़ता वर्तमान समान ढांचार कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आरटीपीसीआर टेस्ट आवश्यक पड़ो इम्प्लीमेंटेसन कर लागू से नहीं जदि किसी सविशेष तथ्य आसी ना कि सविशेष सूचना मिली ना कि वर्तमान स्योर भी निश्चित बोली जो बाहर राज्य भक्त श्रद्धा मैंने आसवे बाहर भक्त श्रद्धा दर्शनार्थी मैंने आसवे से कोविड नेगेटिव रिपोर्ट सांगे धरिकी आसवे
କଥା କହିପାରିବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଟିକାର ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କିଓସ୍କର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବା ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ସାତ ଆଠଟି କିଓସ୍କ କରାଯାଇଥିଲା ସେହି କିଓସ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆଣି ସେ କିଓସ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଥିଲେ ସମାନ ଢାଞ୍ଚାରେ ମଧ୍ୟ କିଓସ୍କରେ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ହେଉଛି ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେବଳ ରବିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ ଶନିବାର ବନ୍ଦ ରହିବ ରବିବାର ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ଏହା 24 ତାରିଖ ଠାରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ କେବେଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶନିବାର ରବିବାର ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ବାହାର କାଠ ନିକଟରୁ ସର୍ବସାଧାରଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଭିତର କାଠ ନିକଟରୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେବାୟତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ 30 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେଣି ସେଥିପାଇଁ ବାହାର କାଠ ନିକଟରୁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଏସ୍ଓପିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ସବିଶେଷ ଏସ୍ଓପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି ସପ୍ତାହକୁ 2 ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଏହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେବା ଲାଗୁ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ପରିସର ବାହାର ପରିସରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେହେତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ କାୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମିଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁଭଳି ମାତ୍ରାରେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିଲା ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନେଇକି ଆସିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନକୁ କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତେଣୁ ଏହା ଏକଦମ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏଭଳି ନିୟମ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଯଦିଓ କୋଟିନାକୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ କିନ୍ତୁ ଏହା ନିହାତି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଯାହା ଆମକୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ଠାରୁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରବିବାର ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହୁଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ କେବଳ ରବିବାର ବନ୍ଦ କରାଯାଉଥିଲା ଏହା ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ବନ୍ଦ ରହିବ ଆଉ ଏହି ନିୟମ 24 ତାରିଖ ପରଠୁ ଲାଗୁ ହେବ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ତାପରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳୁଥିଲା ସମାନ ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏହା ସହିତ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଖଲିକୋଟ ଥାନା 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ରିଲାଏନ୍ସ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲେ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବାଲନ୍ତର ଶ୍ରୀ ନଳିନାକ୍ଷପୁର ଗାଁର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ବାଇକ୍ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ମାଟିଗଦା ଉପରେ ବାଇକ୍ଟି ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଖଲିକୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଉଦୟ ଥାନା ଏନ୍ଏସି 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଜଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଗୋଦାମରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ୱାର୍ଡରେ ଦିଲୀପ କଲିଆଙ୍କ ପତଞ୍ଜଳି ସାମଗ୍ରୀର ଗୋଦାମ ରହିଥିଲା ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗୋଦାମରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଜାଣି ଉତ୍ତଳା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି 60 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନଥିବା ବେଳେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ବାହାରେ ଥିଲି ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ମାରିଲେ ସାଙ୍ଗେ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଦୌଡ଼ିକି ଗଲି ସେଠୁ ପାଖରେ ଥିଲି ଫାୟାର ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା'ପରେ ଫାୟାର ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ପାଖାପାଖି 70 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ କାରଣ ସେ ଭିତରେ ତେଲ କସମେଟିକ୍ ଆଇଟମ୍ ରିଫାଇନ୍ ମାଷ୍ଟାର୍ଡ ଅଏଲ୍ ଘିଅ ବହୁତ ସାମଗ୍ରୀ ଏ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା ସବୁ କଷ୍ଟଲି ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଥିଲା ଜଣା ତ ପଡ଼ୁନି କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ତରଳି ଯାଇଛି ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ଯେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରୁ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଆମେ ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛେ ଗୋଡ଼ାଉନ୍ ପୁରା ହୁ ହୋଇଯାଉଛି ସଟର୍ ଭାଙ୍ଗିକି ଆମେ ପୁରା ଦୁଇପଟରେ ସଟର୍ ପୁରା କବାଡ଼ ଝରକା ଭାଙ୍ଗିକି ଆମେ ନିଆଁ ଲିଭେଇଲୁ ତ ସେମିତି କିଛି ଜଣାଉନି ପ୍ରାୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଟ ଲାଗିଥାଇପାରେ ପ୍ରାୟ ଆଶା କରାହେଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଅନୁଗୁଳ କଣିହା ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଉଚର ଭୁଜାଲି ଦେଖାଇ ଲୁଟୁ ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ମାଉଚର ଭୁଜାଲି ଦେଖାଇ 10,000 ଟଙ୍କା ବଟି ଆଦାୟ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ
कढ़िया पुलिस जन नाबालक समेत तीन जन को गिरफ्त कर सुपरभाइजर को धमक दे एठारे काम करने मासक 5 लाख टंका बटी देवाक नचे आम संस्था को कम करदेबू ना बोली धमक देते एक संस्थार मालिकों को जनइबे सुपरभाइजर कहवर माउजर भुजाली देखा 10,000 टंका छड़ाई नहीं दुर्बृत्त फल सुपरभाइजर जनक कढ़िया थाना अभियोग करने मामला रुजु करने घटना बैशंत नायक और संतोष साहू को गिरफ्त कर कोर्ट चलाण कर नाबालकों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पठा जाता जमापड़े। नदी में पहुंचला आमरण अनशन भद्रक चांदवाली ब्लॉक भाटपड़ा पंचायत होता दुर्नीतिर सठिक तदंत और कार्यानुष्ठान दाबी नहीं बीजेपी पक्षर् आमरण अनशन नवम दिन में पहुंची भाटपड़े बीजेपी कर्मी 15 दिन गणधारण में बसवापर प्रशासन आंदोलनकारी दाबी को ग्रहण नक बीजेपी दल अभिनव ढंग से चांदवाली तहसिल कार्यालय निकट में आमरण अनशन आरंभ करते हेले आज यह अनशन दुई अनशनकारी अवस्था शोचन हो पड़ू प्रथम चांदवाली मेडिकल भर्ती करा कर अवस्था संकटापन्न हो भद्रक मुख्य चिकित्सालय को स्थानांतर कर भद्रक डीएचएच पठाऊ अधिकतर चिकित्सापी तथा आम आधिक चिकित्सा डायग्नोसिस पठाऊ अल्ट्रासाउंड कर पेटर असुविधा अच्छी ना बोलिए। गंजाम जिला कविसुजनगर थाना बालीछाई फांदी बरीडा गाँव में अमानुषिक हत्या आज सकाळ सकाळ एक हत्याकांड घटी जा मात्र 2000 टंका हत्याकांड घटी जमापड़ा जहाँ कहुच्छे तेज भाटपड़ा ग्रामर टुकुना छटेई मृत्यु घटी अनेपटे पुलिस घटनास्थल में पहुंची अभियुक्त को अटक रखी। कोरोना लड़े ने बड़ पदक्षेप राउरकेलार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को कोविड केयर हॉस्पिटल भाव व्यवहार करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदृष्टि एवं केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जो संभव हो पारे महामारी विरुद्ध लड़ा को सेल सर्वदा प्रस्तुत कह वर्तमान 60 बेड या आईसीयू सुविधा कोविड केयर व्यवहार हो कोरोना महामारी विरुद्ध लड़ाक ओडिशा को मिलला आउ एक शक्ति कोविड केयर हॉस्पिटल भाव व्यवहृत हो राउरकेला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदृष्टि एवं केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान नेतृत्व में देश में महामारी लड़ई में सेल द्वारा यह सशक्त पदक्षेप स्थानीय अंचल में बढ़ुवा कोरोना संक्रमण को देखी केन्द्र इस्पात एवं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान राउरकेलार सेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को कोविड केयर हॉस्पिटल करने को निर्देश देते देश में कोविड-19 महामारी विरोध में चली लड़ई लगी सेल सर्वदा प्रस्तुत रहा सक्रिय भाव एगदान करोन संक्रमित रोगी चिकित्सापी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रे आईसीयू व्यवस्था करने लगी स्थानीय प्रशासन पक्ष अनुरोध कर सेल आरएसपी 60 बेड या आईसीयू सुविधा कोविड केयर व्यवहार करा परवर्ती समय रे एही डाक्तरखाना रे कोविड रोगी चिकित्सा सुविधा को आहुरी वृद्धि करा गत वर्षे हेब महामारी विरोध में कांधरे कांध मिलाई लड़ई करी आसुची सेल कंपनी पक्ष पीएम केयर फंड को 30 कोटी टंका सह कंपनी कर्मचारी सेमानकर गोटे दिन दरमा दान कर सेल द्वारा परिचालित अनेक प्रयास मध्यरे एहा अधिकरु अधिक लोकों निकट में पहुंची पारी एवं यार कारखाना एवं प्लांट थिबा स्थानीय प्रशासन सहयोग संभव हो कंपनी स्वास्थ्य सेवा यार डाक्तरखाना गुड़िक बहु संख्यारे पहुंची पारी राउरकेला स्टील प्लांट इस्पात जनरल हॉस्पिटल रे कोविड-19 टेस्टिंग सुविधा उपलब्ध जहाँकि महामारी विरोध में ओडिशार लड़ई आरंभ उपलब्ध हो अन्नदान योजन सक्रिय योगदान कर सेल यार आखपाख अंचल सुखिला राशन और खाद्य बंटन कर तबे केंद्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को धन्यवाद जनइले शिवराज सिंह चौहान तबे राज्य को ऑक्सीजन सिलिंडर जोगाई थिबारु केंद्रमंत्री को धन्यवाद जनाइछंती से मध्यप्रदेश 450 मेट्रिक टन ऑक्सीजन देथिबारु आभार प्रकट करिछंती मुख्यमंत्री गुजरात भिलाई राउरकेला परि स्थान को ऑक्सीजन सिलिंडर मध्यप्रदेश पठा देथिला एही
उद्यम पाई केंद्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और पीयूष गोयल को से धन्यवाद जणाइछन्ति। तबे केंद्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को धन्यवाद जणाइले शिवराज सिंह चौहान। राज्य को ऑक्सीजन सिलिंडर जगाइथिबारु से केंद्रमंत्री को धन्यवाद जणाइछन्ति। मध्यप्रदेश पाई 450 मेट्रिक टन ऑक्सीजन देथिबारु से आभार प्रकट करछन्ति। गुजरात भिलाई राउरकेला परि स्थानरु ऑक्सीजन सिलिंडर मध्यप्रदेश को पठा जाइथिला। आज मैं भारत सरकार को पीयूष गोयल जी और धर्मेंद्र प्रधान जी को धन्यवाद देता हूं। हमने मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए उनसे आग्रह किया था और लगभग 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, जिसमें से हमको गुजरात से आईनेक्स मिल रही थी 120 मीट्रिक टन, वहां से भिलाई से राउरकेला देवरी इत्यादि अलग अलग स्थानों से लगभग 450 मीट्रिक टन मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन देने पर सहमति दी गई है। हम इस ऑक्सीजन के परिवहन के लिए युद्ध स्तर पर टैंकरों की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी तक निजी स्रोतों से 5 टैंकर हमको मिल गए हैं, जो अब तक हम ऑक्सीजन ला रहे थे उनके अतिरिक्त है, जिनसे 132 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई में मदद मिलेगी और हम ऑक्सीजन सप्लाई कर सकेंगे। ऑक्सीजन की प्रदेश में पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे इसके लिए लगातार मैं भारत सरकार के संपर्क में हूं और वहां से पूरा सहयोग किया जा रहा है। समय सरचू बुलेटिन को एड सरचू। नमस्कार।